धनतेरस और मैं बहुत ही खूबसूरत रेडी भी हो गई हूँ। रेड कलर की साड़ी पहनी है मैंने और रेड कलर का मैंने नेकलेस भी पहना है, काफ़ी खूबसूरत नेकलेस है ये। तो मैं आपको पूजा करने के बाद पूरा दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या पहना है, पूरी साड़ी का लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। पर अभी पूजा का मुहूर्त हो गया है, इसके लिए मैं पहले पूजा करूंगी। तो घर के अंदर 13 दिए और घर के अंदर बाहर 13 दिए करने होते हैं, तो वो मैंने बाहर की पूजा और 13 दिए मैंने जला लिए हैं और अभी फटाफट से करूँगी मैं पूजा। तो अभी आज लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणपति जी की पूजा होती है और साथ में मैं आज कुबेर जी की पूजा भी करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कुबेर जी लाई हूँ तो उनकी मैं आज पूजा करूँगी, उनको स्थापित भी करने वाली हूँ। चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूजा की यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई है, उरली वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, फूल दिए पानी गंगा जल और जो पंचामृत बनाते हैं वो भी सब कुछ मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, फ्रूट पैसे मेरे कुबेर जी, ये भगवान कुबेर जी है, मैंने यहाँ उनको स्थापित किया है और सोने और चांदी की पूजा करते वो भी मैंने वहाँ पर रख दिया है। और मेरे कान्हा जी आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने येलो कलर का उनको ड्रेस पहनाया है और पीछे भी मैंने ऐसा कुछ एक लुक क्रिएट किया है, आजू बाजू मैंने बांसुरी रखी है और बीच में ऐसे मोर पंख रखा है। और ये लक्ष्मी जी के चरण में अभी फ़िलहाल नए लेके आई हूँ। और ये है शंख वाली उल्ली जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो इसके अंदर कुछ फ्रेग्रेंस ऑयल और पानी डालते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो ये भी मैंने आज चालू कर ली है तो बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। मैंने लगभग 8 बजे उसको जला दिया था, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। Thank you.
है और घर के अंदर बहुत ही अच्छी मैंने लाइटिंग भी करी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको फटाकड़े फूट रहे हैं क्योंकि दिवाली है तो फटाकड़े फूटेंगे। तो पिछले वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था कि मैं आपको नाइट व्यू दिखाऊंगी, पर एक्चुअली हुआ था वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, पर ये वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसी लाइटिंग करी है बाहर वो सब। चलिए फटाफट से बता लेती हूँ मैं आपको मैंने कैसी लाइटिंग वगैरह किया है। लाइटिंग करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो घर के अंदर मैंने कुछ ऐसी लाइटिंग लगवाई है बेड के नीचे, तो इसका ये रिमोट है और काफी सारे कलर चेंजिंग से लाइट है, तो मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये खाली रेड हो गया, ये ओनली ग्रीन, और ये ब्लू, और ये वाइट, सारे इसके अंदर ऑप्शन है। आप चाहो तो उसको थोड़ा कम कर सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो, काफ़ी अंदर ऑप्शन है। चाहो तो इसको सारे मिक्स कलर में भी चला सकते हो, काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था। तो जब भी आपके घर पे लाइट बंद हो और ऐसा कोई स्मूथ लुक देना हो तो इसके लिए ऐसी लाइटिंग बेड के नीचे बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने ये भी लगवा ली है। इसके साथ ऐसा एक रिमोट मिल जाता है तो आपको एक टेंशन नहीं है कि आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, आप बस रिमोट से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको पूरा लुक मेरा दिखाती हूँ कि मैंने कैसी साड़ी पहनी है। एक्चुअली मैंने पहनी है बनारसी साड़ी और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत ये ब्यूटीफुल सा सेट पहना है। इसके साथ मुझे मांग टीका भी मिला है पर मैंने पहना नहीं है, काफ़ी हैवी लुक हो जाता फिर। और मुझे बिंदी बहुत पसंद है, मैंने इसे झरी वाली बिंदी लगाई है, तो आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको दूर से दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। सब्जी बनाई थी आलू की और साथ में मैंने खीर बनाई है, थोड़े मैंने फ्राइज भी बनाए थे, तो सारा खाना मैंने माताजी को अभी अर्पण कर दिया है। और ये मेरा पंचामृत और मैंने यहाँ पे प्रसाद में पेड़े भी धराए हैं।
तो मैं क्या करती हूँ, माता जी के आगे यहाँ पे एक पर्स भी रख देती हूँ और माता जी से प्रे करती हूँ कि मेरा ये पर्स कभी खाली नहीं रहे, भरा हुआ रहे हमेशा। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा पर्स भी रख देती हूँ। तो अभी मैं बिठा रही हूँ कुबेर जी को अपनी यहाँ पे जगह पे। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।